रणजीत चौटाला का उदयभान पर पलटवार देखने को मिला है। उदयभान के विवादित बयान पर रणजीत चौटाला ने साधा है निशाना। उदयभान के बयान से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, ये उन्होंने कहा। सामाजिक टिप्पणी करना गलत बात है, ये भी उन्होंने कहा है। हुड्डा भी लंबे समय तक झुके रहे हैं। बीजेपी तीसरी बार बनाएगी प्रदेश में सरकार, ये भी उन्होंने दावा किया। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी रणजीत चौटाला ने बयान दिया है। पहली यात्रा के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, एक तरह से तंज उन्होंने कसा है और अब भी वैसे ही नतीजे आएंगे। यानी जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, जिसका नाम भारत नया यात्रा है, उसको लेकर भी घेरा है। और साथ ही साथ उदयभान की ओर से जो उपराष्ट्रपति पर टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर भी रणजीत चौटाला ने किया है पलटवार। रणजीत चौटाला ने कहा कि सामाजिक टिप्पणी करना सही नहीं है, गलत बात है। इसके साथ ही साथ उन्होंने तंज कसा है भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, जो दूसरे चरण की हो रही है, भारत न्याय यात्रा। तो रणजीत चौटाला ने, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरने का कार्य किया है। रहते ये इस बयान से कितना नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कांग्रेस का नुकसान हुआ है। ऐसी बिना बात की किसी पे सामाजिक टिप्पणी करने, ये तो फिर हुड्डा साहब भी झुके भी रहे हैं बहुत सालों से, ये ऐसी बयान नहीं करने चाहिए। हुड्डा साहब भी कांग्रेस हाईकमांड ने कभी न कभी उनके खिलाफ ही रहा, अब तक उन्हें आगे बढ़ने में रुकावटें करते रहे। तो इस तरीके के बयान जिसका कोई मीनिंग नहीं, को एक पार्टी प्रेजिडेंट होकर सुन, मैं समझता हूँ कि पार्टी का ही नुकसान हो रहा है। उन्होंने पहले कर दी, उसके बाद आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान के सब चुनाव परिणाम आ गए, आपने देख लिया। कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली समय है, कुछ भी करें, अपना इस्तेमाल करें। यंग हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं।